तो so स्टूडेंट्स uh, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज और बीटा पार्टिकल्स तो ये दिस इज ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी ऑफ द पी डी एफ नोट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड दम बेटर जब आप नोट्स uh, को सामने रखकर या वीडियो को रिपीट अप करोगे और नोट्स को भी अंडरस्टैंड करोगे तो यूलस्टैंडरस्टैंड कंसेप्ट प्रॉपरली बीटा पार्टिकल कैरीज वन पॉइंट सिक्स पर माइनस नाइनटीन कोलम ऑफ नगेटिव चार्ज जो बीटा पार्टिकल होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव चार्ज कितना होता है माइनस नाइनटीन कोलम ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स एनिट नगेटिव चार्ज विच इज़ द चार्ज ऑफ एन एलेक्ट्रॉन सो क्योंकि माइनस नाइनटीन कोलम एक अलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है सो नेगेटिव चार्ज ऑफ एन अलेक्ट्रॉन होता है विच इज़ द चार्ज ऑफ एलेक्ट्रॉन सो बीटा पार्टिकल कैरीज 1.6 into 10, 10 to the power uh, 19 minus 19 coulomb of negative charge that means that is a uh, unit unit charge which is the charge of an electron the rest mass of beta particle is 9.1 into 10 to the power minus uh, minus 31 kg which is the same as that of electron the rest mass of beta particle that is equal to the mass of the uh, same as that of the electron और किसके बराबर है नाइन पॉइंट वन इज वन माइनस थर्टी वन के जी विच इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन सो रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज इक्वल टू नाइन पॉइंट वन इंटू टेन इज पॉर माइनस वन के जी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी रेज दिलासा पार्टिकल रेंजेज फ्राम थर्टी थ्री टू नाइनटी नाइन ऑफ द लाइट वो जो ऑफ द लाइट है उसका जो जो ऑफ बीटा पार्टिकल है दैट उसका रे, वो रेंज करता है फ्राम थर्टी थ्री परसेंट टू नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ ऑफ़ लाइट लाइट है उसका थर्टी थ्री परसेंट टू नाइन्टी नाइन परसेंट जो रेंज जो है वो बीटा पार्टिकल की विलासटी है थर्टी थ्री परसेंट टू नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ दिलास द लाइट इसका मतलब है कि जो, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो आ, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ स्मॉल मास देनिटेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स वेरी लार्ज क्योंकि जो मास ऑफ द बीटा पार्टिकल है वो वो स्मॉल है छोटा है कम है इसकी वजह से जो उनका बीटा पार्टिकल का जो पेनीट्रेटिंग पावर है वो लार्ज है दे कैन ईजली पास थ्रू ए फ्यू मिलीमीटर ऑफ अलमुनियम वो अगर हम uh, अलमोनियम में से वो पास करेंगे सो दैट मीनस क्योंकि इनका मास स्मॉल मास है तो पेनिट्रेटिंग पावर इनका काफ़ी हाई है बीटा पार्टिकल्स का इसका मतलब है कि दे कैन ईजीली पास थ्रो ए फ्यू मिलीमीटर ऑफ अलमोनीय गो अलमोनीय में से वो फ्यू मिलीमीटर में वो वो उसमें से पास हो सकते हैं फ्यू मिली मीटर के अंदर वो जा सकते हैं वो दैनिट्रेटिंग पावर इनका काफ़ी हाई है वेरी लार्ज है बिकॉज इट दास ऑफ द जो uh, बीटा बीटा रेज है बीटा पार्टिकल पार्टिकल्स है वो स्मॉल है एंड पेनिट्रेटिंग पावर हाई है द बीटा पार्टिकल्स आयनाइज़ द गैस थ्रू विच दे पास बट देयर आनाइजिंग पावर इज ओनली वन बाई हंड्रेड टाइम्स द डेट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्योंकि जो जो बीटा पार्टिकल है वो जिस uh, गैस को में से वो पास करके उनको किया जाता है या जिस गैस में से वो पास होते हैं वो गैस आयोनाइज होता है मगर उनका जो आयनाइजिंग पावर होता है वो होता है ओनली वन बाई हंड्रेड ऑफ दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्योंकि जो जो आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल वो काफी हाई है इसलिए जो बीटा पार्टिकल का आयनाइजिंग पावर जो है वो वन बाई वन बाई हंड्रेड टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल है द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इन आयर इज सेवरल मीटर्स जो बीटा पार्टिकल का जो रेंज होता है आयर में वो सिवरल कुछ मीटर तक रहता है वो जो रेंज ऑफ जो पार्टिकल बीटा पार्टिकल जो है एयर में जो वो जो वो ट्रेवल कर सकते हैं वो कुछ मीटर तक ही उनका रेंज है जहाँ जहाँ जह, जह तक तो वो एयर में वो ट्रेवल कर सकते हैं आ, आ, या चल सकते हैं या पास डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं डेट इज़ सिवरल, सिवरल मीटर्स में, द बीटा पार्टिकल्स कैन also प्रोड्यूस fluorescence इन certain substances. जिस तरह अल्फा particles प्रोड्यूस uh, करते करते थे फ्लोरस ऑन सर्टन सबस्टेंसिस इसी तरह जो बीटा पार्टिकल्स है दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लोरसेंस ऑन सर्टन सबस्टेंस लाइक लाइक बेरियम साइनाइड एंड जिंक सल्फेट को जिस तरह अल्फा पार्टिकल भी इन दोनों सबस्टेंस में फ्लोरेंस प्रोड्यूस करता है इसी तरह बीटा पार्टिकल भी फ्लोरेंस uh, प्रोड्यूस करता है ऑन दर्टन सबस्टेंस लाइक बेरियम प्लेटिनोसाइसाइनाइड एंड जिंक सल्फाइड दे इफेक्ट है फोटोग्राफ प्लेट। अल्फा पार्टिकल उतना इफेक्ट नहीं करता था फोटोग्राफी प्लेट प्लेट को जब फोटोग्राफ फोटोग्राफी प्लेट पर पड़ते थे तो काफ़ी कम इफेक्ट होता था प्लेट फोटोग्राफ प्लेट पर लेकिन जो जब बीटा पार्टिकल फोटोग्राफी प्लेट पर पड़ेगा पर पर तो वो उसको काफ़ी इफेक्ट करता है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैगनेट फील्ड शोइंग दैट दे दे कैरी नेगेटिव चार्ज इसका मतलब है कि जब बीटा पार्टिकल जो है जब इलेक्ट्रिक और मैगनेट फील्ड में से पास करते हैं उनमें से पास करेंगे तो उनका डिफ्लेक्शन हो जाता है इसका मतलब है कि जो बीटा पार्टिकल है दे कैरी नेगेटिव चार्ज सो बच्चों आप अंडरस्टैंड करोगे कि जब हाँ जब बीटा पार्टिकल जो होते हैं जब उनको पास किया जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से तो वो डिफरेंट हो जाते हैं इसका मतलब है कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं और बीटा रेज जो होते हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज सो so, इस वीडियो में है आ, हम इतना ही करेंगे इसमें इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि बीटा रेज बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है या बीटा रेज की का नेचर क्या होता है वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो उसमें हम गामा रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और गामा रेज के नेचर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में थैंक यू